हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसका सेकंड लेक्चर है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट? हमने स्टार्ट कर दिया था ये चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा था ब्लड के बारे में, राइट? के जो ट्रांसपोर्टेशन है, मेनली जो भी आप चीज खाते हो, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हो, गैस, चाहे वो गैस फॉर्म में कुछ भी आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना है, लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, उस सब का ट्रांसपोर्टेशन कौन कराएगा? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक व्हीकल चाहिए होता है ना। फॉर एग्जांपल, अगर यहां से आपको आपके फ्रेंड तक के घर जाना हो तो आप क्या करोगे? अगर वो दूर है तो आप साइकिल का यूज करोगे, या फिर बहुत ज्यादा दूर है तो कार, स्कूटी, ये सारी चीजें। तो स्कूटी क्या हो गई? एक व्हीकल हो गया आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, राइट? वैसे ही आप जो भी चीज कंज्यूम करते हो, फूड खाते हो, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल करते हो, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करा रहा है? व्हीकल कौन है? ब्लड, ठीक है। या फिर आपको वापस आना है, यानी कुछ वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, आपकी बॉडी से उसको भी बाहर निकालना है, तो वो कौन काम करेगा? वेस्ट निकालने वाली गाड़ी भी कौन है यहाँ पे? ब्लड है सिर्फ, ठीक है। तो हमने ब्लड में कॉम्पोनेंट्स पढ़े थे ब्लड के, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। हमने पढ़ा था कि WBCs होती है ब्लड के अंदर, व्हाइट ब्लड सेल्स, RBCs होती हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स होती हैं, राइट? ये तीन कंपोनेंट हमने पढ़े थे ब्लड के अंदर, राइट? अब लास्ट टॉपिक इसमें देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है, दैट इज ब्लड डोनेशन। सब जानते हैं ब्लड डोनेशन के बारे में, राइट? ब्लड डोनेशन, आपको पता है, कोई भी पेशेंट जिसको ब्लड की रिक्वायरमेंट हो रही हो या फिर सर्जरी हो रही हो उसकी, तो उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे बोलते हैं ना कि मैं ब्लड दे दूंगा, या फिर तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, या फिर ऐसे मूवीज में भी हमने बहुत देखा है कि हमें ब्लड की सख्त से सख्त जरूरत है इस टाइम, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, हमें ब्लड चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं? हम ब्लड डोनेशन करते हैं, ठीक है। जो भी पीपल हु आर अबव 18 ईयर्स, जो 18 साल से ऊपर उम्र के होते हैं, वो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। बच्चों को ये एडवाइस नहीं किया जाता, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे क्या होते हैं? ग्रोथ फेज में होते हैं, वो बड़े हो रहे होते हैं, तो उनको उनका ब्लड कभी भी नहीं लिया जाता। जो बच्चे 18 साल से ऊपर के होते हैं वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और इट इज अ गुड हैबिट, ठीक है। इससे कोई भी हार्म नहीं होता है, कोई भी पेन नहीं होता है, इनफैक्ट आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। जब आप किसी को ब्लड डोनेट करते हो तो आपकी बॉडी न्यू ब्लड सेल्स बनाती है, ठीक है। ये आरबीसी जो थी आपकी बॉडी में, ये आपने क्या कर दी? डोनेट कर दी। रेड ब्लड सेल्स ही तो डोनेट कर रहे हो ब्लड के अंदर सारी चीजें। आपकी बॉडी क्या बनाएगी? न्यू आरबीसीज। क्या बनाएगी? न्यू आरबीसी बनाएगी, जो कि कैसी होंगी? बहुत ही ज्यादा हेल्दी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी होंगी। तो अगर आप ब्लड डोनेट करते रहोगे टाइम टू टाइम, जब भी जो भी टाइम पीरियड होता है, 3 मंथ्स में आप एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हो, तो आपकी बॉडी न्यू आरबीसी बनाती रहेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है, ठीक है। आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी, कभी भी वीक नहीं फील करोगे आप, न्यू सेल्स रहेंगी तो एनर्जेटिक रहोगे, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसी से। कुछ लाइंस लिखवा देती हूँ मैं आपको इसमें ब्लड डोनेशन के ऊपर, ठीक है। ओके, वी विल राइट फ्यू लाइंस ऑन दिस टॉपिक, दैट इज ब्लड डोनेशन। यू नो मेनी हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू दी अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्लड ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो अगर उनको ब्लड दे दिया जाए तो उनकी जान बच सकती है, ठीक है। तो आप पॉइंट्स में लिखोगे यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। बहुत सारे लोग मर जाते हैं क्योंकि
ड्यू टू दी अनअवेलेबिलिटी, अनअवेलेबल हो जाता है, ब्लड नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई। सेकेंड पॉइंट लिखो इसमें, ब्लड जो है वो आप डोनेट कर सकते हो किसी भी हॉस्पिटल में जाके या फिर किसी भी ब्लड बैंक के अंदर जाके। यू कैन डोनेट या फिर पीपल अबव 18 इयर्स कैन डोनेट ब्लड इन हॉस्पिटल्स एंड ब्लड बैंक्स। ब्लड बैंक होते हैं ना जहां पे ब्लड को स्टोर किया जाता है, ब्लड बैंक, ठीक है, वहां पे ब्लड की कलेक्शन की जाती है, हर एक टाइप का ब्लड ग्रुप होता है वहां पे प्रेजेंट। तो अगर हम ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेट करेंगे तो हॉस्पिटल्स वाले जब भी उनको जरूरत होगी किसी पेशेंट के लिए या फिर किसी फैमिली मेंबर को किसी दूसरे फैमिली मेंबर के लिए जरूरत होगी तो वो ब्लड बैंक से ब्लड को खरीद सकता है, ठीक है, और जान बचाई जा सकती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज हार्मलेस। आई एम नॉट सेइंग हार्मफुल, इट्स हार्मलेस, यानी कि बिल्कुल भी हार्म नहीं है। एंड पेनलेस भी है, पेन भी नहीं है। पेनलेस टू डोनेट ब्लड। ब्लड डोनेट करने में कोई भी हार्मफुल चीजें नहीं है, कोई भी पेन वाली चीज नहीं है, बहुत इजी होता है ब्लड डोनेट करना, ठीक है। Many lives can be saved. बहुत सारी लाइफ को आप सेव कर सकते हो। कितना अच्छा लगता है अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करो और उसकी जान बच जाए, ठीक है, तो कितना अच्छी फीलिंग आएगी कि वो इंसान की जान बच गई क्योंकि किसी ने उसको ब्लड डोनेट कर दिया। अगर ब्लड डोनेशन नहीं होता, उसको ब्लड नहीं मिलता तो वो मर जाता, राइट। तो इट इज वेरी गुड एक्टिविटी टू डोनेट द ब्लड, सबको करना चाहिए, मैं भी करती हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स भी करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब बड़े हो जाओगे, जब 18 प्लस के हो जाओगे, आपको भी सजेशन दूंगी कि आप भी ब्लड डोनेट करो, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। मैंने भी बताया ना, न्यू आरबीसीज बनती है, ओके ओके। नाउ कमिंग टू द ब्लड ग्रुप्स रिटन, आप पढ़ते हैं कि ब्लड ग्रुप्स। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई पेशेंट है उसको ए ब्लड ग्रुप चाहिए। ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। तो जो पेशेंट है अगर उसका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप उसको ए वाला ब्लड नहीं दे सकते, राइट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो, ब्लड ग्रुप्स। नेक्स्ट हेडिंग इज ब्लड ग्रुप्स। चलो हेडिंग डाली है, दैट इज ब्लड ग्रुप्स। कैटेगराइज कर दूं अगर मैं ब्लड ग्रुप्स को तो कितने होते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप एंड ओ ग्रुप। ये आपके चार तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ चार टाइप के ब्लड्स होते हैं, ठीक है। आप किसी भी पेशेंट को अगर उसकी बॉडी में ए बी ब्लड ग्रुप है तो आप उसको ए वाला ब्लड नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना कि आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं समझाती हूँ, मेरे पास है ये पेशेंट ए, ठीक है, या पेशेंट राम ले लेती हूँ मैं, राम नाम है इस पेशेंट का। इसका जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप जो है इसका, इसका
इसका है ए पॉजिटिव, ठीक है। इसका ब्लड कैसा है? ए पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे इसका फ्रेंड आता है श्याम, श्याम आता है, श्याम का ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। क्या है? बी पॉजिटिव है। तो श्याम बोलता है कि मैं अपना ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हूं अपने दोस्त के लिए, ठीक है। लेकिन क्या डॉक्टर बोलेगा कि हाँ ठीक है आप दे दो? नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप इससे मैच नहीं कर रहा है। तो इसके लिए तो और भी खतरे वाली बात हो जाएगी। इसको बिल्कुल अर्जेंट चाहिए कि इसको ब्लड चाहिए, अगर ब्लड नहीं मिला तो इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो श्याम का ब्लड ग्रुप नहीं काम आएगा। फिर मान लो पेशेंट है आम राम, मैं क्या बोल रही हूँ, आम, ठीक है। पेशेंट की जो मॉम है, पेशेंट्स मॉम या फिर कोई और फ्रेंड हो सकता है, अदर फ्रेंड, अदर फ्रेंड, अदर फ्रेंड रॉय, ठीक है। एक और फ्रेंड है रॉय और उसकी मॉम है, मॉम की काफी ज्यादा एज है, ठीक है। इनका ब्लड ग्रुप भी क्या है? ए पॉजिटिव। और इस फ्रेंड का भी ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, ठीक है। मतलब इसका मैच कर रहा है ना, पेशेंट की मॉम जो है, इसकी जो मदर है उनका भी ए पॉजिटिव है, उसका कोई फ्रेंड है और दूसरा उसका भी ए ग्रुप है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आप उनकी मामा से बोला कि नहीं मैं आपका ब्लड नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि उसकी मदर की एज थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। कितनी है? मान लो एज है इनकी 75 इयर्स। मान लो श्याम की जो मॉम है, ये राम की जो मॉम है, ये 75 इयर्स की है, तो डॉक्टर बोलेगा नहीं मैं आपका ब्लड नहीं ले सकता, आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा है। अदरवाइज ब्लड तो मैच कर रहा है ना, है ना। इन्हीं को ही फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी क्योंकि इनकी एज बहुत ज्यादा है। तो श्याम को बोलता है कि हाँ तुम्हारा ए पॉजिटिव है, आप अच्छे तरीके से इसको ब्लड डोनेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो रॉय है फ्रेंड, इसने पेशेंट राम को ब्लड डोनेट कर दिया। तो ब्लड देने से पहले ब्लड के ग्रुप्स को मैच करना जरूरी होता है, ठीक है। आपके ब्लड ग्रुप्स हैं ए बी, ए बी एंड ओ, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ इनमें, ये समझ में आया? सेम ब्लड ग्रुप मैच किए जाते हैं ब्लड डोनेट करने से पहले। आप किसी को भी कोई भी ब्लड ग्रुप डोनेट नहीं कर सकते, वो उसकी जान ले सकता है। अगर आप बी वाले को ए वाला ब्लड ग्रुप दे दोगे तो ये ऑलरेडी ये मरी जाएगा फिर तो, ठीक है, क्योंकि आपने गलत ब्लड दे दिया उसको। ये जो बी ग्रुप वाला जो ब्लड है उसको बी ही ब्लड ग्रुप वाला इंसान खून दे सकता है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट की बारी आती है, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि ये जो ब्लड है, इट इज अ लाइफ सेविंग फ्लूड। ये ऐसा फ्लूड है, जो आपका ब्लड है ये ऐसा रेड कलर का फ्लूड है जो किसी की जान बचा सकता है। तो इट इज अ लाइफ सेविंग फ्लूड, राइट। सेकेंड पॉइंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, आप देख रहे हो इसमें ए बी, ए बी ब्लड ग्रुप है ना। तो जो ए बी ग्रुप वाले लोग होते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। वो ए वाले से भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें ए आ रहा है, वो बी वाले से भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं क्योंकि इसमें बी आ रहा है, और खुद ए बी वाले लोगों से भी ले सकते हैं, राइट। इंटरेस्टिंगली ओ से भी ब्लड ले सकते हैं, ठीक है, जिसका रीजन आप जानोगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, 11th क्लास में जब आप जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ओ क्यों ब्लड दे, ग्रुप ओ ग्रुप वाले जो लोग हैं वो क्यों ब्लड दे पा रहे हैं। अभी के लिए आप ये चीज याद रख लो बस कि ए बी ग्रुप जो है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, ए वाले लोगों से भी, बी वाले लोगों से भी, ए बी वाले लोगों से भी ले सकता है जो इसके जैसे हैं और लोग, और ओ वालों से भी ले सकता है, ठीक है। तो मैं लिखूंगी ए बी ग्रुप इज यूनिवर्सल
रिसेप्टर, ठीक है, यूनिवर्सल रिसेप्टर, एक्सेप्टर या रिसीवर कुछ भी लिख सकते हो, आर ई, मैं बोल्ड लेटर्स में लिख देती हूँ उसको थोड़ा, यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है। कैसा है ये? यूनिवर्सल रिसीवर है। कौन? ए बी, किसी से भी ब्लड ले लेगा, ए ग्रुप वालों से भी, बी ग्रुप वालों से भी, ओ वालों से भी, और खुद अपने जैसे लोगों से भी ले लेगा, ठीक है। अब आते हैं ओ वाले की कुछ खासियत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओ ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, क्या है ये? यूनिवर्सल डोनर है, यानी के ओ ग्रुप वाले जो होते हैं ना, ओ ग्रुप वाले, वो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, वो ओ वालों को भी डोनेट कर सकते हैं, इसको भी डोनेट कर सकते हैं, इसको भी डोनेट कर सकते हैं अपना ब्लड, और इसको भी डोनेट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई पेशेंट है ए ग्रुप वाला जिसको ए ग्रुप चाहिए ब्लड, तो ओ वाला उसको दे सकता है। कोई पेशेंट है आपके पास बी वाला, तो ओ उसको दे सकता है ब्लड। ए बी वाला है उसको भी ओ वाला ग्रुप वाला जो ब्लड है वो दे सकता है। खुद ओ भी है वो भी ओ ब्लड ग्रुप वाले दे सकते हैं, ठीक है। फिर सोचोगे मैम अभी जो आपने इतनी राम श्याम और रॉय वाली कहानी बताई वो क्या थी? वो सिर्फ इनके केसेस में है, ठीक है। ये वाला ब्लड ग्रुप किसी से भी ब्लड ले सकता है, इससे भी ले लेगा, इससे भी ले लेगा, इससे भी, इससे भी, और ये वाला जो ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है पर ले नहीं सकता, सिर्फ दे सकता है। ले वो किससे सकता है? ओनली ओ वालों से ही। ये दानवीर है, ओ वाला है, ठीक है। ये इन सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है, ये वाला ओ ग्रुप, लेकिन खुद खुद कैसे लेगा ये ब्लड? अगर इसी को ही जरूरत पड़ गई, इसको ही सबने दे, सबको दे दिया इसने ब्लड, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसको खुद जरूरत पड़ेगी तो ये किससे लेगा? तो ये इन किसी से भी नहीं ले सकता, इन तीनों से नहीं ले सकता ओ ग्रुप। किससे लेगा? सिर्फ ओ ग्रुप वाले से ही ले सकता है, पर दे सबको सकता है। वैसे ही ए बी है, वो दे सिर्फ ए बी वाले को सकता है, ठीक है, देने का काम उसका सिर्फ ए बी वालों के लिए है, लेकिन ले सबसे सकता है। तो इसीलिए तो बोला कि ए बी सबसे ले सकता है, तो यूनिवर्सल रिसीवर हो गया वो लेने वाला, और ओ सबको दे सकता है तो वो यूनिवर्सल डोनर हो गया, ठीक है, सबको देने वाला। समझ में आई ये बात? लेकिन अगर इन दोनों में बात करूं मैं, अगर ये ब्लड ग्रुप ना होते तो ए बी अगर वाले पेशेंट होते तो ए ग्रुप वाला बी ग्रुप वाले को ब्लड नहीं दे सकता, ये न्यूट्रल है, ये आपस में या तो ये ओ से ले सकता है या ए वाले से ले सकता है, ठीक है। बी ग्रुप वाले जो हैं या तो वो बी ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकते हैं या फिर ओ जो सबको दे रहा है उससे ले सकता है। क्लियर? समझ में आई बात? ओके, अब चलो नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक जो रह गया है, कि ये जो ब्लड है ये हमारी बॉडी में फ्लो कैसे करता है। जैसे हम कहीं पे भी कट लगा देते हैं तो वहीं से ही ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो ऐसे क्या नेटवर्क है कि ब्लड हर जगह ही प्रेजेंट होता है? चाहे मैं टोज पे से थोड़ा सा कट करके ब्लड निकाल लूं या हैंड पे से कट कर लूं यहाँ पे, ठीक है, तो कहीं पे भी कट लग जाए वहीं से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों? हमारी बॉडी में जो ब्लड है ये कैसे फ्लो करता है? फॉर एग्जाम्पल, घर का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं अभी। मान लो ऊपर टैंक में पानी है, ठीक है, तो वो टैंक का जो पानी है वो हमारे नीचे हर एक टैप तक कैसे आ जाता है? पाइप होती है कुछ, है ना, पाइप्स के थ्रू ही तो आता है। टैप में से पानी कहां से आता है? वो पाइप्स के थ्रू आता है, राइट। हम अगर कहीं पानी डालने जा रहे हो गार्डन वगैरह में तो कैसे डालेंगे?
टैप में पाइप लगा के डालेंगे, तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी पतली पतली सी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या बोलते हैं हम इनको, ब्लड वेसल्स। इनके अंदर जो ब्लड है वो फ्लो करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? डाल ली सभी ने हेडिंग ब्लड वेसल्स। तो ये क्या है, ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू आपका ब्लड फ्लो करता है और ब्लड कैरी करता है आपका खाया हुआ खाना, ऑक्सीजन और वाटर को। ठीक है, तो आप थोड़ी सी लाइन लिख लो इसके बीच में, दीज आर दी ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड कैरीज फूड वॉटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जिनके थ्रू जो ब्लड जो फूड ब्लड है आपका, वो फूड वॉटर और ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में कैरी करती है, यानी कि हर एक सेल तक पहुंचाती है। ठीक है, क्या वो क्या होती है, ये ट्यूब्स होती हैं। अब ये ट्यूब्स हैं तीन तरह की। सबसे पहले मैं अगर यहां पे डिफरेंशिएट करूं इनके बीच में, तो आपको याद रखना है सबसे पहले आती हैं आर्टरीज, पहले नंबर पे आर्टरीज। सेकंड नंबर पे आती हैं आपकी वेन्स। थर्ड नंबर पे आती हैं आपकी कैपिलरीज। कैपिलरीज ओके। ये जो आर्टरीज होती हैं, ये हमें बाहर से बॉडी में दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, आर्टरीज जो होती हैं, चलो छोड़ो ये भी, सबसे पहले वेन्स डिस्कस करते हैं, इससे आप समझ भी पाओगे। आप अपना हैंड्स को बहुत ही गौर से ऑब्जर्व करो, तो आपको ग्रीनिश ब्लूइश वेन्स दिखाई देंगे यहाँ पे साइड में। ठीक है, यहाँ पे वेन्स दिखाई देंगे, फेस पे भी दिख जाती हैं, थाइस पे, पैरों में और हैंड्स में ये सारी वेन्स दिखाई दे जाती हैं, जो ब्लूइश ग्रीन कलर की होती हैं। तो जो आपको दिखाई दे रही हैं ब्लूइश ग्रीन, वो क्या है, आपकी वेन्स हैं। और ये जो वेन्स होती हैं, ये आपका वेस्ट मटेरियल, आपकी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उसको कैरी करती हैं। क्या कैरी करती हैं, आपकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल CO2। CO2 क्या है आपके लिए, वेस्ट है, जो आप सांस के थ्रू बाहर छोड़ देते हो। क्यों छोड़ देते हो बाहर, क्योंकि वो आपके लिए वेस्ट है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, तो CO2 जो है वो मिक्स होती है ब्लड के अंदर, इसीलिए थोड़ी सी ग्रीनिश ब्लूइश दिखाई देती है। ठीक है, आउटर अपियरेंस में। तो इट कैरीज, आप लिखोगे वेन्स जो होती हैं, इट कैरीज CO2 रिच ब्लड। ठीक है, इनके अंदर CO2 से भरा हुआ ब्लड होता है, होता तो ब्लड ही है लेकिन CO2 वाला होता है। जब CO2 आप बाहर छोड़ देते हो तो फिर वो वापस से नॉर्मल हो जाता है ब्लड। ठीक है, उसमें CO2 नहीं रहती। ओके, फिर आती हैं आर्टरीज। आर्टरीज जो होती हैं वो थोड़ा स्किन के अंदर होती हैं, बड़ी बड़ी आर्टरीज होती हैं। ठीक है, स्किन से थोड़ा सा डीप होती हैं, स्किन के अंदर डीपली प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए वो हमें बाहर से स्किन में दिखाई नहीं देती है, राइट? तो आर्टरीज क्या करती हैं, ये होती हैं रेड कलर की आर्टरीज। जनरली हम वेन्स को ब्लू कलर से डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं, और आर्टरीज को रेड कलर से डिनोट करते हैं, राइट? तो आर्टरीज रेड कलर से क्यों डिनोट होती हैं, क्योंकि वो यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड। ठीक है, CO2 निकल गई ना, तो CO2 की जगह कौन आ गया हमारी बॉडी में, अब ऑक्सीजन आ गई, तो ऑक्सीजन को कौन कैरी करा रही है, आर्टरीज। तो O2 रिच ब्लड। ठीक है, आप लिखोगे कैरियर
कैरियर, कैरियर ऑफ ओटू रिच ब्लड, ओटू रिच ब्लड कैरी करती हैं। कैपिलरीज पे आ जाओ अब। कैपिलरीज होती हैं बिल्कुल थिन फाइन ट्यूब्स, ठीक है, बहुत ही पतली पतली ट्यूब्स जिनको कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूं आर्टरीज जैसे इतनी बड़ी है, फिर वेन्स हो गई ये मेरी, ठीक है। कैपिलरीज कैसी होंगी, बिल्कुल पतली सी ट्यूब्स, बिल्कुल बिल्कुल पतली 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 पतली, ठीक है। इस तरह से पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जो पूरी बॉडी में एक नेटवर्क बना के रखती हैं। यही कैपिलरीज लास्ट पॉइंट होता है जो आर्टरीज हैं सबसे मोटी 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 हाथ होते होते कैपिलरीज में चेंज हो जाती हैं। और कैपिलरीज कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, आपकी पूरी बॉडी में हर एक सेल के पास, ताकि अगर ये ऑक्सीजन लेके आए तो हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा दे, कौन, कैपिलरीज। इतनी छोटी होती हैं कि आपके हर एक सेल के कांटेक्ट में होती हैं ये, ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अभी मैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बीच में डिफ्रेंशिएशन लिखवाऊंगी, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो आपको आना चाहिए। तो आप टेबुलर फॉर्म बना लो, कॉलम बना लो आप पूरा, जिसके अंदर आप एक साइड लिखोगे आर्टरीज, फिर लिखोगे आप वेन्स एंड देन कैपिलरीज, या फिर कोई भी ऑर्डर लिख सकते हो। आर्टरीज मैं इधर लिख रही हूं, वेन्स, और यहां पे बीच में लिख रही हूं मैं कैपिलरीज, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट फॉर द आर्टरीज क्या हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट अभी मैंने लिखवाया, इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड, इट कैरीज ओ टू रिच, लिख रही हूं ओ टू ऑक्सीजन को ही बोलते हैं, ओ टू रिच ब्लड, ओ टू रिच ब्लड, ओ टू रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। हार्ट के पास पहले क्या होगा, हम सांस ले रहे हैं ना, तो सांस ले रहे तो ऑक्सीजन कहां जा रही है, सबसे पहले लंग्स में जा रही है, ठीक है। लंग्स से क्या होगा, ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगी, ब्लड में आ जाएगी, वो ब्लड कहां जाएगा, आपके हार्ट में जाएगा। हार्ट का काम क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हार्ट का काम क्या होता है, पंपिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो जैसे ही लंग्स से ऑक्सीजन उसके ऊपर ब्लड के अंदर घुल के हार्ट के पास जाएगी, हार्ट उसको पंप कर देगा कहां पे, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सारी बॉडी पार्ट्स को पंप करके दे देगा, राइट। नाउ कमिंग बैक टू दी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखवा रही हूं पहले। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट कैरीज CO2 rich blood from all the body parts to, from all the body parts to heart and then lungs. CO2 सेल्स में से वेस्ट निकल रहा है ना, तो वहां से वेस्ट को कलेक्ट करेगा ब्लड, जो कि वेन्स के अंदर प्रेजेंट होगा CO2 वाला ब्लड, उसको सारी बॉडी पार्ट से कहां लेके जा रही है, पहले हार्ट के पास लेके जा रही है, और हार्ट उसको कहां भेजेगा, फिर लंग्स के पास भेजेगा, जहां से वो बाहर हम लोग सांस के थ्रू बाहर छोड़ देंगे। समझ में आया, ओके। कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स, these are very thin tubes,
बहुत ही पतली पतली थिन, मतलब बहुत ही पतली ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो आर्टरीज का। सेकेंड पॉइंट क्या है? ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड अ हाई टेम्परेचर। ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट हाई प्रेशर, क्योंकि आपका ब्लड जो है कौन पंप कर रहा है? हार्ट पंप कर रहा है। तो हार्ट इतनी तेजी से ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में कि तुरंत वो सारी बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। तो रैपिड का मतलब होता है तेज, RAPID। रैपिड का मतलब होता है बहुत तेज, और तेज होने की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। कैसे समझाऊं मैं आपको? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप गार्डन में पानी डालने के लिए जाते हो, तो जब आप पाइप को आगे से प्रेस कर देते हो तो वो ज्यादा प्रेशर से जाता है ना, ठीक है। सेम यही चीज है, और टैप जितने ज्यादा तेजी से खुलेगी उतनी तेजी से पानी निकलता है, राइट। तो हार्ट भी कुछ ऐसे ही काम करता है, आपके ब्लड को एकदम से पंप करेगा बहुत तेजी से और बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ, तो एकदम तुरंत ही आपकी बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, उसके अंदर लिखो, वेन्स हैव थिन वॉल्स। सेकेंड पॉइंट, वेन्स हैव लेस प्रेशर एंड थिन वॉल्स। वेन्स के अंदर तो कम प्रेशर होता है, ठीक है, तो वॉल्स भी कैसी होती हैं? तो यहां पे कैसी होंगी वॉल्स? स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड थिक। सो द वॉल्स आर थिक। वहां पे तेज प्रेशर से जाएगा ना, तो वॉल्स भी कैसी होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए, मोटी मोटी, ताकि उस प्रेशर को झेल सके, प्रेशर को झेल सके, वरना तो पाइप फट जाएगा, ट्यूब्स फट जाएंगी, राइट, ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो वे। यहाँ पे वॉल्स कैसी होती हैं? थोड़ी सी मोटी होती हैं, यहाँ पे प्रेशर कम होता है, तो पतली ट्यूब्स भी होंगी तो काम चल जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, कैपिलरीज के अंदर लिखो, कैपिलरीज जॉइन टू वेन्स कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू हार्ट ठीक है। कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं जुड़ी हुई, तो ये जुड़ी हुई रहती हैं सारी, और फिर कहाँ ब्लड पहुंचाती हैं? ये सारी वेन्स में जाके मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क ड्रॉ करना चाहूं, तो सपोज इधर से ये आर्टरीज हैं, तो ऐसे नेटवर्क होता है इनका, सेल्स का, कैपिलरीज है ये जो मैं अभी बना रही हूँ, पतली पतली सी ट्यूब्स, ठीक है, ये ट्यूब्स है। अब ये मैंने रेड मार्कर से डिनोट की है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लू मार्कर, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो आप समझ जाना ब्लू वाली, तो ये ब्लू ये वेन्स हैं और ये हैं आर्टरीज, और ये क्या है बीच में? दीज आर थिन कैपिलरीज, दीज आर थिन कैपिलरीज। तो पहले ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, ओटू रिच, ठीक है, ओटू रिच ब्लड आता है यहाँ पे, यहाँ पे सब जगह सेल्स प्रेजेंट होती हैं कैपिलरीज के पास, ठीक है, ये क्या है सब सेल्स, जहां पे आपका खाना एनर्जी बननी होती है, आपको सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो रिएक्शन कहाँ होती है? आपकी सेल्स के अंदर होती है, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है एनर्जी बनाने के लिए, तो
यहाँ पे ऑक्सीजन आती है, फिर जब वो सेल्स के अंदर सारा खाना बन जाता है, एनर्जी भी बन जाती है, कुछ किचन वेस्ट निकलता है, ठीक है, आपका सेल्स में से कुछ वेस्ट निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, CO2। तो ये सारी ज्वाइन होके कैपिलरी ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स, ये वेन से ज्वाइन होके सारे ब्लड को पहले हार्ट के पास भेजेंगी, फिर हार्ट आपके लंग्स के पास भेजेगा और लंग्स से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ओके, नाउ राइट डाउन, द थर्ड पॉइंट, प्रेजेंट डीप इनसाइड द स्किन, ठीक है, आपकी स्किन के थोड़ा डीपर इनसाइड प्रेजेंट होती हैं आर्टरीज, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहां पे लिखोगे, प्रेजेंट जस्ट अंडर द स्किन, जस्ट अंडर द स्किन, स्किन के जस्ट अंडर ही प्रेजेंट होती हैं आपकी वेन्स जो आपको दिखाई भी दे जाती हैं, राइट। समझ में आया ये सारी चीजें, ये डिफरेंस जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस माने जाते हैं, राइट डाउन, क्लियर। ओके, आपको इससे रिलेटेड आज के लेक्चर में यही खत्म करते हैं, क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे पूरा हार्ट के बारे में, ठीक है, मैं पूरा हार्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दूंगी, हार्ट के डायग्राम को समझाऊंगी, हार्ट में हार्ट किस तरह से वर्क करता है, क्या फंक्शन होता है, ब्लड को कैसे पंप करता है। पर उससे पहले आपको ये जो सब चीजें हैं ये माइंड में बिठाने की जरूरत है कि ब्लड किस तरह से फ्लो कर रहा है, आर्टरीज में ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला ब्लड है और वेन्स में CO2 वाला ब्लड है, तो ये आपको माइंड में रखने की चीज है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको ये वाला चीज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको उसका फंक्शन समझ में आएगा कि कौन सा ब्लड कहाँ जा रहा है, ठीक है। यू शुड बी वेल अवेयर विद दीज टर्म्स, ओके। चलिए, सेफ रहिए एंड बाय बाय।